नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गाइडलाइंस आने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर छोटे बच्चों के क्लासेस क्यों नहीं खुले और खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो दोस्तों, अब जो है 1 मार्च से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं की जो क्लासेस खोलने की बात हो रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे दूं कि छोटे बच्चों के यानी कि 1ली से 7वीं तक की कक्षाएं वो नहीं खुलेंगी। तो अब सवाल यह उठ खड़ा होता है कि आखिर इन क्लासेस को क्यों रोका गया। दरअसल कोरोना समीक्षा की अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक हुई, मुख्यमंत्री के समक्ष तमाम विषय जो है वो रखे गए थे। 1ली से 7वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने के पर भी वहाँ इस बैठक में चर्चा हुई, फिर भी इन इस बच्चों के लिए जो है स्कूलें नहीं खोली जाएंगी। और फिलहाल जो है इस सत्र में कोई उम्मीद भी अब नज़र नहीं आ रही है। अगली जो गाइडलाइंस आएगी दोस्तों, उसमें इन बच्चों के लिए स्कूलें जो है वो खोली जा सकती है, ये बड़ा अपडेट है। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे दूं, ITI कॉलेजेस को लेकर और साथ में उन कॉलेजेस को लेकर जिसके की खोलने की कवायद 1 मार्च से होगी, UGC की गाइडलाइंस के अनुसार वो कॉलेज जो हैं वो खोले जाएंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के जहन में है, लोगों के मन में है, कोचिंग क्लासेस को लेकर क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 मार्च से कोचिंग क्लासेस पर कोई रिस्ट्रिक्शन जो है, कोई पाबंदी नहीं लागू होगी। 1 मार्च से कोचिंग क्लासेस भी खुल जाएंगे। तो बड़ा ही शॉर्ट अपडेट था दोस्तों। और अगली गाइडलाइंस में छोटे बच्चों के लिए स्कूलें जो हैं वो खुल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।